हे गाइस, मेरा नाम है हरप्रीत और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme Narzo 60 Pro के बारे में। बताऊंगा आपको इस फ़ोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है इंडिया में और ये फ़ोन कब लॉन्च हो सकता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता कि ये फ़ोन अगले महीने फर्स्ट वीक में कभी भी लॉन्च हो सकता है और इसमें आपको प्लास्टिक चेसी के साथ में प्लास्टिक बैक देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कर्व्ड एमोलेड पैनल मिलेगा 6.7 इंचेस का, साथ ही साथ 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी ऑफर करने वाला है। अब जो पैनल है ये HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेके आने वाला है और ये जो पैनल है ये 1 बिलियन कलर शेड्स प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो पॉसिबली डायमेंसिटी 6020 या फिर आपको डायमेंसिटी 7050 देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई भी अलग से एक्सटर्नल कार्ड लगाने की सुविधा जो है वो नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 128GB 8GB एक वेरिएंट मिलेगा, सेकेंडरी वेरिएंट जो है आपको मिलेगा 256GB and 8GB और जो थर्ड वेरिएंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 256GB and 12GB रैम के साथ में। साथ ही साथ ये आपको डुअल कैमरा जो है सेटअप ऑफर करने वाला है रेयर में। 100MP का प्राइमरी लेंस होगा, OIS के साथ में 2MP का मिल सकता है आपको डेप्थ। साथ ही साथ ये फ़ोन जो है 4K रिकॉर्डिंग करने में केपेबल है। 16MP का आपको फ्रंट शूटर मिलेगा, साथ ही साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। 5000mAh की बैटरी के साथ में 67W का जो है चार्जर वो भी कैरी करेगा और जो इसकी प्राइसिंग है वो अंदाजन 22-23 हज़ार रुपये के आसपास इंडिया में होने वाली है। अगर डायमेंसिटी 6020 आता है तो ये जो इसकी फ़ोन की प्राइसिंग है वो 21-22 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास होगी और अगर 7050 आता है तो इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो 22,000-23,000 रुपये के आसपास होने वाली है और ये फ़ोन अगले महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद Realme Narzo 60 Pro के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।